अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी नाइस। तो जनाब, क्या कर रहे हैं आजकल आप सब? घर में हैं? चलें, मैं आप लोगों को आज कुछ न्यू चीज़ें पढ़ाती हूँ। आपको पता है हु इज़ अवर प्रॉफिट? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अवर प्रॉफिट। आपको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? आप लोगों के भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्लास में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिनमें से आप लोगों के कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, हम उन्हें बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो प्रॉफिट थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके भी बेस्ट फ्रेंड थे। उनके बेस्ट फ्रेंड कौन हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। आपको पता है वो ऐसे बेस्ट फ्रेंड थे कि उन्होंने हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुश्किल में हमेशा साथ दिया। जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल की थी, तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वॉज द फर्स्ट मैन, वो पहले इंसान थे जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का यकीन किया था, क्योंकि उनका ईमान था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं, यानी सच्चे और दयानतदार हैं, वो कभी झूठ नहीं कहते। इसलिए सबसे पहले उन्होंने उनकी बात का यकीन किया था। प्यारे बच्चों, आपको पता है जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए थे, तब मुसलमानों को सबसे पहले जिस चैलेंज का सामना था वो थी लीडरशिप। तो तमाम सहाबाए कराम ने डिसाइड किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक वॉज द राइट पर्सन हु बिकेम द फर्स्ट लीडर ऑफ ऑल द मुस्लिम इन द वर्ल्ड। सो ही डिसाइडेड टू मेक हज़रत अबू बकर सिद्दीक द फर्स्ट खलीफा ऑफ ऑल द मुस्लिम वर्ल्ड। आपको पता है खलीफा क्या होता है? आपने देखा है जैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से उस दौर में खलीफा होते थे जो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों के लीडर होते थे, ठीक है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक वॉज द फर्स्ट खलीफा ऑफ उम्मत मुस्लिमा। चलें, आज हम ऐसा करते हैं, कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। आपको पता है आप भी डेली कुछ न्यू वर्ड्स सीखना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप उन न्यू वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्या नेम है उस चैप्टर का? द राइट डिसीजन, द राइट डिसीजन। रीड विद मी, द राइट decision. One more time, the right decision. Very good. इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि जब लीडरशिप हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने संभाल ली थी, तो उसके बाद उन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उन्होंने किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया था, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट some new words. So read with me. Making decision. Very good. One more time. Making decision. आपको पता है making decision का क्या मतलब होता है? यानी किसी भी वक्त decision लेना। आपको पता है आप जब सारे बहन भाई जमा होते हैं आप लोग, तो आप लोगों को समझ नहीं आता कि आप लोग कौन सा गेम खेलें। एक भाई कह रहा होता है भाई मुझे क्रिकेट खेलना है, तो दूसरा भाई कह रहा होता है कि मुझे फुटबॉल खेलना है, तीसरा कह रहा होता है नहीं मैं तो कैरम खेलना चाहता हूँ। तो
आप लोग सब कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग को समझ नहीं आती कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उसी वक्त हम फिर देखते हैं, सोचते हैं कि कौन सा गेम हमें खेलना है, जो हम ऐसा गेम कोई खेलें जो सबके लिए अच्छा हो, जैसे ज़्यादा गर्मी वाला भी ना हो कि गर्मी में हमें बाहर जाकर खेलना पड़े, मौसम को देखकर और हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उन सब चीज़ों को देखकर हम एक फैसला करते हैं, हम एक डिसीजन लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मेकिंग डिसीजन। और उसमें फिर सबकी राय शामिल करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मेकिंग डिसीजन, मेकिंग डिसीजन। वेरी गुड। द नेक्स्ट वर्ड इज ज़कात, ज़कात। रीड विद मी, ज़कात। वेरी गुड, वन मोर टाइम, ज़कात। वेरी नाइस। आपको पता है ज़कात की क्या मीनिंग होती है? ज़कात से यानी कि जो हमारे पास जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, यानी आपके फादर के पास जो जो चीज़ें हैं उनके जो भी बैंक बैलेंस होता है, तो उस बैंक बैलेंस में से थोड़ा सा हिस्सा हम पुअर पीपल को देते हैं। ये इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है। इस्लाम ने अमीर और गरीब को बराबर के हकूक दिए हैं, तो इसीलिए जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी होती है, पैसे होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो थोड़ा सा अपने माल में से कुछ हिस्सा निकाल कर गरीबों की मदद करें, ताकि सब अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकें। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ज़कात। नाउ कर्स, कर्स। रीड विद मी, कर्स, कर्स। वेरी गुड। कर्स मीन्स बैड वर्ड्स, बैड वर्ड्स। ठीक है, हमें किसी के साथ भी बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं और हम अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम अवॉइड करते हैं ऐसे वर्ड्स जो हमें नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, कर्स, कर्स का मतलब है बैड वर्ड्स। वी डोंट हैव टू टॉक एनी बैड वर्ड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अब्यूज, अब्यूज, अब्यूज। वेरी गुड। अब्यूज मीन्स बैड बिहेवियर। आप कभी बदसलूकी कर जाते हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ, कभी आपने उन्हें ज़ोर से उनको जवाब दिया, नहीं ना, नहीं करते ना आप लोग, यू आर अ गुड चाइल्ड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो हमें बुज़ुर्गों का अदब करना चाहिए, हमें उनके साथ अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो पुअर पीपल होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, उन सब का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें किसी के साथ भी अब्यूज़ वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। ओके, दीज आर द फ्यू न्यू वर्ड्स जो कि आज हमने सीखे हैं और हम किस तरीके से उसे डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इन तमाम वर्ड्स को अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ कर डिस्कस करना है। ठीक है, फिर आपकी टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगी और वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।